गला फाड़ फाड़ कर भाजपा नेता चिल्ला रहे हैं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। मगर ये नहीं बताते कि एमएसपी केवल कल्पनाओं में रहेगी। आज उत्तर प्रदेश का किसान 6 महीने की कड़ी मेहनत से उगाए गए अपने धान को आग लगाने पर मजबूर है, क्योंकि सरकारी मंडी में उसे एमएसपी नहीं मिल पाई। धान की लागत से कम कीमत लगाई गई उस अन्नदाता के फसल की। भाजपा नेता ये नहीं बताते कि पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत जस की तस बनी हुई है, जबकि 3 साल पहले जो डीजल 57 रुपए पर था, आज 79.72 रुपए पहुँच गया है, यानी पूरे 22 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है डीजल के दामों में। और उसी डीजल को ट्रैक्टर में डालकर किसान जुताई से लेकर माल ढुलाई तक का सारा काम करता है। सोचिए 10 महीने की मेहनत से तैयार होने वाले गन्ने की फसल को पैदा करने में वो कितना डीजल फूंकता होगा, और 22 रुपए लीटर की दर से हुई बढ़ोतरी उसके फसल उत्पादन की लागत को कितना ज्यादा बढ़ा देती होगी। जबकि अभी खाद, पानी, मजदूरी आदि में हुई बढ़ोतरी का खर्च तो जोड़ा ही नहीं गया है। किसानों के साथ भाजपा सरकार के अन्याय की दास्तान आगे भी है। किसान सम्मान योजना, जिसके तहत हर 4 महीने पर कृषक को 2,000 रुपए दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ प्रशासन ने उसमें भी फर्जीवाड़ा कर करोड़ों का गबन कर दिया है। वास्तविक किसानों को योजना से दूर करके अवैध लोगों के खाते में पैसे भेजने का मामला सामने आया है। उद्योगपतियों की गोद में बैठी भाजपा किसान समाज के समूल नाश के लिए नए नए उपाय करती रहती है। इसलिए अब समय आ गया है कि मतदाता विचार करें और अन्नदाता की लड़ाई को मजबूत करते हुए उनके विरोधियों को सत्ता से निकाल बाहर फेंकें।